अयोध्येतील राम मंदिर ठरलेल्या जागीच होणार असून तेथे मंदिर बांधण्यासाठी भाजप कटिबद्ध असल्याच्या विधानाचा पुनरुच्चार भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी पुण्यात केलाय. या विषयावर शरद पवार आणि काँग्रेसने आपली भूमिका स्पष्ट करावी असं आवाहनही त्यांनी केलंय. शहरात भरवण्यात आलेल्या शक्ती केंद्र प्रमुखांच्या संमेलनात त्यांनी आपले विचार मांडलेत. मैं आपको सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर से बताना चाहता हूं कि अयोध्या में श्री राम मंदिर वहीं पर, जरा सुन लो बाद में ताली बजाओ, उसी जगह पर जल्द से जल्द और भव्य से भव्य बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है, वचनबद्ध है. इसमें किसी को शंका रखने की जरूरत नहीं. मैं तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है. 2009 में सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा. 2009 से 2015 तक यूपी सरकार ने ट्रांसलेशन ही नहीं किया था. 17 में हमारी सरकार आई, हमने 6 ही महीने में पूरा ट्रांसलेशन कर आज दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहे. सुनवाई शुरू हुई. कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल बताते हैं 2019 के बाद. सुनिए क्यों भैया कपिल जी, आपके पेट में क्या दुखता है? जब सुनवाई दोबारा शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आए, महाभियोग लेकर आए, उनको डराने का काम किया. एक कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि वहां पर राम मंदिर बने, वहां पर एक केस जल्दी चले. एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं को मैं कहना चाहता हूं, शरद राव और अशोक चौहान दोनों स्पष्ट करें चुनाव के पहले महाराष्ट्र की जनता के सामने कि आप चाहते हो कि वहां राम मंदिर बने या न बने. ये बात महाराष्ट्र की जनता के सामने कांग्रेस के नेताओं ने स्पष्ट करनी चाहिए. मित्रों, ये नहीं चाहते मगर कोई फर्क नहीं पड़ता. अभी अभी कुछ दिन पहले राम जन्मभूमि न्यास ने मोदी जी की सरकार को, भाजपा सरकार को एक आवेदन दिया कि हमारी 42 एकड़ जमीन, 42 एकड़ भूमि नरसिम्हा राव के समय में कांग्रेस सरकार ने अधिग्रहित कर ली थी, राम जन्मभूमि न्यास की भूमि अधिग्रहित की, वो हमें वापस दे दिया जाए. कोर्ट में तो केस चलता नहीं. नरेंद्र मोदी सरकार ने फैसला कर दिया और राम जन्मभूमि न्यास की भूमि राम जन्मभूमि व्यास को वापिस देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने. मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हम सब पालमपुर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रस्ताव से बंधे हुए हैं कि वहीं पर राम जन्मभूमि बने का मंदिर बनेगा, वहीं पर रामलला विराजमान होंगे. इसी में किसी ने कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है.